दोस्तों, अगर आपका भी एप्पल का एयरपॉड प्रो अगर चलते चलते स्विच ऑफ हो गया या फिर आपके हाथ से छूट के फर्श पे गिरने के बाद बंद हो गया, तो मैं आज इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। और साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती कैसे, क्यों इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अधिकतर केस में ये इसका केस ख़राब हो जाता है और प्रॉब्लम करता है। ये चार्जिंग लेता नहीं है, कोई लाइट शो नहीं करता, कुछ शो नहीं करता है ना। ये चार्जिंग पे लगाने के बाद में देखो, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब हम सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया, इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, हम सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं। सर्विस सेंटर अपने हिसाब से इसका खर्चा बताता है, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये की इसका केस आता है जो चार्ज करता है। ज़्यादा बड़ा इशू इसके अंदर होता नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आती नहीं है। तो चलिए आज वीडियो के अंदर इसी पे ही काम करेंगे, इसी को रिपेयर करेंगे, जानेंगे कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है। और जो वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। दोस्तों चलिए इसको करते हैं ओपन। इसको सबसे पहले इसको गर्म करेंगे हम, ताकि क्योंकि इसके जो साइड में लगी होती है वो ग्लू लगी होती है, ग्लू से चिपकाया जाता है इसको। तो इसकी ग्लू को सर्विस सेंटर के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस होता नहीं है कि इसको मेल्ट करके, इसकी ग्लू को मेल्ट करके और इसको ढक्कन को खोल के और इसको रिपेयर किया जाए। लेकिन हम इसको आपको रिपेयर भी करके दिखाएंगे, इसको ठीक भी करके दिखाएंगे और ओके भी करके दिखाएंगे। देखो ये चलेगा भी, ये साइड में इसकी दरअसल ग्लू लगी होती है, ये थोड़ी हार्ड होती है और ये सर्विस सेंटर के अंदर प्रोसेस नहीं होता जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इतनी अंदर की बातें आपसे किसी भी चैनल पे कोई शेयर नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही आपसे इतनी अंदर की बातें आपसे शेयर करता हूँ। आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी बातें भी आपको बताता हूँ। और जो रिपेयरिंग सीखना भी चाहता है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि मैं आपको अंदर की डीप रिपेयरिंग में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये क्या आती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ जानना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जैसे देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, थोड़े बहुत स्क्रैच पड़े खोलने के अंदर, क्योंकि काफ़ी हार्ड ग्लू लगी होती है, वो इतनी आसानी से खुलती नहीं है। ये जैसे देख सकते हो ये बैटरी है, इसमें एक पॉइंट जा रहा है, ये जो एक वायर जा रही है, ये जो वायर है ये बटन की है, जैसे हम पीछे से बटन दबाते हैं ये उसका कनेक्शन है ये। लेकिन आप इसके अंदर दो वायर जाती है, ये नीचे जो चार्जिंग की वायर है ये हटी हुई है, क्योंकि इसके अंदर यही प्रॉब्लम आई है कि कस्टमर का ये हाथ से गिरा था, गिरने के बाद में ये बंद हो गया, ये केस चार्जिंग लेना ही बंद कर दिया इसने। ये देख सकते हो ये मैंने बाहर निकाली है, ये कनेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, ये जैक दे रखा है ऊपर की तरफ में, ये बस ये लूज़ हो गया था इसके अंदर, और इसके अंदर कोई भी कारण नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सर्विस सेंटर में लेकर गया इसी केस को, उसने 7-8 हज़ार रुपये खर्चा बताया सर्विस सेंटर के अंदर कि ये केस ही चेंज होगा, ये ख़राब हो गया आपका केस, ये कोई रिपेयर नहीं होती ये चीज़ें, कस्टमर को बताया गया। और कस्टमर को ये देखो, ये बस ये लग चुका है और ये ओके है, लेकिन सर्विस सेंटर इतने अंदर की रिपेयरिंग नहीं करते, कस्टमर को 7-8 हज़ार रुपये खर्चा बता देते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि खोल के एक बार देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास ये प्रोसेस होता नहीं है, आगे से उनको ये प्रोसेस नहीं मिलता। ये लाइट भी जल रही है, अब ये ओके हो गया, ये देखो देख सकते हो ये बिल्कुल ओके है, ये अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये केस इसका चार्ज भी होगा, मैं आपको चार्ज भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। जैसे देख सकते हो ये लाइट भी इसकी जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि इतना रिपेयर करने का भी क्या कॉस्ट होता है। दोस्तों 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये इसकी कॉस्ट आती है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता, बस इतनी ही कॉस्ट आती है। और थोड़ा बहुत इसमें स्क्रैच पड़ सकता है, क्योंकि ये बोंड से चिपकी हुई होती है, तो इसलिए बस थोड़ी सी कॉस्ट आती है, सिर्फ 500 रुपये, और उसमें ये रिपेयर हो जाता है। ये अगर थोड़ी बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम और होती है तो वो भी मैं उसी में रिपेयर कर देता हूँ। अब आपको मैं पूरा इसको चार्ज भी करके दिखाऊंगा, और ये देखो अब ये सिर्फ ये साइड में नक्के है, और इसकी फिनिशिंग भी दिखाता हूँ। ये जैसे सुन सकते हो आवाज़, ये टक्की आवाज़ भी, ये देखो ये टक्की भी आवाज़ आई, ये अब पूरा फिक्स हो चुका है। और अब ये मैं आपको पूरा चार्ज भी करके दिखाऊंगा, और ओके है ये, और फ़ोन से अपने कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है अब इसके अंदर, अभी केस इसका चार्ज नहीं हो रहा था, बैटरी इसकी चार्ज नहीं हो रही थी, तो अब ये एयरपोर्ट भी चार्ज नहीं हो रहे थे, अब ये भी चार्ज होने लग जाएंगे। इसकी मैं आपको वाइट लाइट भी दिखा देता हूँ जला के, ताकि आपको यकीन हो जाए पूरा। अब ये थोड़े चार्ज हो जान दो, फिर मैं आपको इसकी वाइट लाइट भी दिखाता हूँ। इसको 5 से 10 मिनट इसको चार्जिंग पे लगाते, ये 5 से 10 मिनट इसके हो चुके हैं। अब आपको मैं चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर ये कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये जैसे मैं अपने फ़ोन से आपको दिखाता हूँ, कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ, ये कनेक्टिंग लाइट जल चुकी है, वाइट ये शो कर चुके हैं।
और ये देखिए ये कनेक्ट भी हो चुके हैं। दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ आपके लिए। और ये देखो जैसे देख सकते हो इतनी मैंने इसको चार्ज कर भी चुका हूँ। अब ये बिल्कुल ओके है, ये चार्जिंग भी ले रहा है, ये सब कुछ ओके है, ये पूरा ओके हो चुका है। बताओ इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी और 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये खर्चा बताने का क्या फ़ायदा, क्यों इतना हम खर्च करें। तो आपकी अगर प्रॉब्लम आ रखी है तो आप मेरे पास भी लेकर आ सकते हो और रिपेयर भी करा सकते हो। आपको मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको मेरा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।